हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग बनाने का कोई अपने बारे में तो हम कुछ नहीं बताएंगे, पर किसी और के बारे में बहुत कुछ बताना है, वो भी यूट्यूबर के बारे में। वो एक यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जो कि उसका सब्सक्राइबर लाखों में है, करीबन 3 लाख कुछ है। तो वो यूट्यूबर दोस्तों जो कि 3 लाख सब्सक्राइबर लेकर आज बैठा हुआ है, उसका बोलने का तरीका या फिर उसका सोच हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग उसको प्लीज़ सपोर्ट मत कीजिए, इतना सपोर्ट उसको मत कीजिए। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक दिन, देखिए एक दिन का क्या बात है, एक दिन वो लाइव आया, उसका नाम हम लास्ट में बताएंगे, वो ऐसा कौन सा सपोर्टर है जिसके बारे में हम इतना गलत बोल रहे हैं। वो लाइव आया, लाइव आने के बाद जब हम, मतलब हम उसका हर रोज़ एक एक वीडियो देखते, जब भी वो वीडियो डालता था हम हमेशा उसका वीडियो देखते, मतलब उससे हमको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता था उसके वीडियो से। और हम एक नए यूट्यूबर है तो हम हर रोज़ उसका वीडियो देखते थे। तो मतलब यदि लाइव आया तो हम सोचे कि अरे ये इसका वीडियो हम इतना देखते हैं, मतलब लाइव आया तो चलते हैं, इससे कुछ पूछते हैं कि सर ऐसा ये कैसे हो, मतलब कुछ भी अपने सवालों से पूछने की कोशिश की, चलते हैं पूछते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। तो हम उसके लाइव में गए, तो गए तो हम उससे कुछ बात किए, मतलब हम बात नहीं किए, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, मतलब उसके ब्रॉड पे कम से कम 200 आदमी थे पहले से ही, 150, तो मैसेज करते रहे तो रिप्लाई नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। तो वो बोला कि जिसको जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ करना है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक बोला कि अभी रिप्लाई नहीं दे रहा, जब ये वर्ड बोल रहा है तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर हम ले लिए। लेने के बाद उसको हम व्हाट्सएप पर मैसेज किए, तो बोले कि सर मुझे, हम एक यूट्यूबर है, नए यूट्यूबर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो वो बोला कि हाँ बोलिए क्या। तो हम मतलब बताएं सर मेरे वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 2,000, 2,500, 500, 100 ऐसे चले जा रहे व्यू, पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, सर एक बार मेरा आईडी चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो बंदा बोल क्या रहा है कि ठीक है आप मेरे गूगल पे पर 2,000 रुपये भेज दीजिए, फिर आपका आईडी चेक कर लिया जाएगा। हम सोचे कह रहे ये क्या बोल रहा है, 2,000 रुपया हम कहाँ, मिडिल क्लास का फैमिली लोग, मेरे हस्बैंड ने, मतलब हम कहाँ से 2,000 रुपये लाएंगे। फिर हम कुछ नहीं बोले, फिर वो हमसे बोला कि क्या बोलते हैं कि हाँ आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो हम बोले कि सर हम तो कुछ नहीं करते, हम हाउस वाइफ हैं। तो बोला कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते, हम लोग घर में ही रहते हैं। तो बोला कि तो आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए और 2,000 रुपये हमको भेजिए, फिर हम आपका आईडी चेक करेंगे। तो हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ठीक है सर, हम ठीक है सर, हम बात करके आपको बताएंगे। तो बोला कि ठीक है, वो बोल के फ़ोन कट कर दिया, मतलब उधर से ही फ़ोन आया था डायरेक्ट फ़ोन, हम इधर से मैसेज क्यों डायरेक्ट फ़ोन किए, कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल किया। तो इसीलिए सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ फ़ोटो है उसका, वो जो लिख कर भेजा था, हम जो लिख के उसके पास भेजे वो भी है, और वो जो अपना मतलब बोला जो इस गूगल पे मैसेज, मतलब मैसेज पैसा कर दो भेज दो, तो वो मतलब सब कुछ है, स्क्रीन शॉट लेके हम फोटो डाल देंगे, आप लोग देख लेंगे, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों। मतलब उसके बाद फिर वो जब हम कुछ नहीं बोले तो शाम को फिर मैसेज किया, क्या हुआ कुछ बताया नहीं। तो फिर हम बोले कि नहीं सर मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं करवा सकते, रहने दो। बोला कि ठीक है। तो दोस्तों जो इंसान इतना बड़ा यूट्यूबर है, मतलब लाखों सब्सक्राइबर लेकर बैठा है, वो ऐसा बात बोलेगा कि पैसा दो तब तो मैं आईडी चेक करेंगे, और वीडियो में तो बहुत अच्छा अच्छा बात बोलता है, ऐसे वैसे ये वो, ये कोई बात हुआ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसी से पैसा ऐसा नहीं लेना चाहिए, मदद करो, अगर बोल लोग मदद करेंगे तो अच्छे से करो, घुसखोर मत बनो। सो आप लोग को बता रहे, वो उसका नाम बता रहे, आप लोग बोले कि बक रही पर उसका नाम नहीं बता रहे, तो उसका नाम बता रहे, उसका नाम है नित्या के सपोर्टर। आप लोग तो पहचानती होंगी नित्या के सपोर्टर को, बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, वही है जो घुसखोर है, नित्या के सपोर्टर घुसखोर है। मेरा वीडियो आप लोग उसके उसके पास तक पहुंचाइए या नहीं पहुंचाइए, कोई टेंशन नहीं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, लेकिन वो घुसखोर है, क्योंकि वो मेरा मदद नहीं किया, मेरा नहीं मतलब सब सबका बोल रहे हैं, सबसे वो मतलब जितना रोज़ के रोज़ नए नए यूट्यूबर से मिलता रहता है, वो बोलते हैं हम रोज़ नए यूट्यूबर से मिलते हैं, रोज़ सबका हेल्प करते मदद करते, लेकिन सबसे घुसखोर, सबसे पैसा खाकर ही हेल्प करता होगा, ऐसा कुछ नहीं, जब हमसे पैसा मांग सकता है तो वो किसी, मतलब वो अपने पास बैठा कर उसका प्रमोशन कर रहे, तो उसका पैसा नहीं लेगा, लेगा ही लेगा, जरूर लेगा, वो घुसखोर है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग का क्या राय है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और हो सके तो मुझे बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को खूब सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वो कैसा इंसान है, उसके बारे में जो भी बोलें क्या वो गलत है या सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।